दोस्तों नमस्कार, मैं कैलाश विश्वकर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की बड़ी खबर लेकर आपके पास अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मैनुअली तैयार किए जाएंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बड़ी बात यह है कि अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र मैनुअली तैयार किए जाएंगे। पूरी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। पोर्टल में नहीं दिखा रहा आंकड़ा, सीनियर का नहीं मिलेगा लाभ। अतिथि शिक्षकों के अनुभव पर लगा ग्रहण, आज की ताज़ा खबर यह है। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा। तो जिले के हजारों शिक्षकों की सीनियरिटी को लेकर परेशानी बन गई है। शासन के निर्देश अनुसार अतिथि शिक्षक ने जितने दिन स्कूलों में पढ़ाई कराई है उसके आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है। विभाग की ओर से दिए गए निर्देश के बाद अब अतिथि शिक्षकों को उनकी संस्था से अनुभव प्रमाण पत्र 3 चरणों में पूरा होना है। लेकिन तकनीकी कारणों से अतिथि शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। अतिथि शिक्षकों की माने तो जो अतिथि शिक्षक वर्ष 8-9 से लगातार कार्यरत है पर पोर्टल में उनका नो रिकॉर्ड बता रहा है, यानी डाटा नॉट फाउंड बता रहा है, जबकि पोर्टल में वर्ष 15 के बाद का रिकॉर्ड है। इसके कारण कई वर्षों के अनुभव का नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में पिछले 10 वर्ष से अतिथि शिक्षक रहकर पढ़ाई करने वाले शिक्षकों को मिलने वाली सीनियरिटी का अनुभव प्रमाण पत्र में असर पड़ेगा। पोर्टल में अतिथि शिक्षकों के वर्ष 15 के पहले का रिकॉर्ड अब मैनुअली तलाशना होगा। अर्थात मित्रों, 2015 के पहले जिन्होंने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है उनका मैनुअली तैयार किया जाएगा, जो परेशानी का कारण बन गई है सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी। तो अतिथि शिक्षकों को नहीं मिल रहा है और रिकॉर्ड, उसके लिए अतिथि शिक्षकों ने जो समस्या बताई है उसके विषय में भी चर्चा हुई कि अनुभव प्रमाण पत्र में एक सत्र में 2 स्कूलों में काम किए अतिथि शिक्षकों का कार्य पोर्टल पर बता रहा, किंतु वह अनुभव रजिस्टर्ड क्लेम नहीं हो रहा है। 14 के पहले कार्य दिवसों को पोर्टल पर नहीं दिखा रहा है। बहुत से अतिथि शिक्षकों के ऑनलाइन प्रमाण पत्र में जितने वर्ष 2 में काम किया है उसे वर्ग 3 दिखा रहा है। अध्यापन कार्य किए गए सत्रों के दिन भी गलत दिखा रहा है। एक गड़बड़ियां हमारे पोर्टल में सामने आ रही है। इधर 14 के बाद अनमैप हो जाएंगे अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षकों के मानदेय को तैयार करने के लिए 13 मई का अंतिम समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद यदि बिल जनरेट नहीं होते हैं तो इन अतिथि के वेतन भुगतान में परेशानी हो सकती है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार यह बात कही गई है जो आपने देखा है। तो हम देखते हैं मित्रों यहाँ पर कि प्रक्रिया क्या होगी अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की। तो अतिथि शिक्षक ने जिस स्कूल में सेवाएँ दी है उनका प्रतिवर्ष के अनुसार पत्रक रहता है, जिसमें एक सत्र में कितने दिन शिक्षक ने पढ़ाया है। प्रतिवर्ष के आधार पर निकलने वाले पत्रक का सत्यापन संस्था के करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे। तो परेशानी जो आ रही है उसके विषय में हम देखेंगे कि 8-9 से अतिथि शिक्षक जिले के शासकीय स्कूल में पढ़ाई करा रहे हैं। किस संस्था में शिक्षक ने पढ़ाई कराई है उसका वर्षवार उपस्थिति पत्रक जारी होना है। पोर्टल में 15-16 सत्र से पोर्टल में उपस्थिति पत्रक दिखा रहा, लेकिन इसके पहले का आंकड़ा नहीं निकल रहा। इसके लिए अब अतिथि शिक्षकों को इस सत्र में किए गए अध्यापन का रिकॉर्ड संस्था को बनाना होगा, जिसका सत्यापन संस्था प्रमुख, संकुल प्राचार्य और बाद में जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। इतना बड़ा आंकड़ा निकाल पाना मुश्किल हो रहा सरकार के लिए। इधर अतिथि शिक्षक जो है जिन्होंने यह शिकायत की है तो संकुल केंद्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिलने की शिकायत की है। उनका कहना है कि 200 दिवस कार्य अनुभव रखने वाले अतिथि शिक्षक जो हैं उन्हें भर्ती में 25% का आरक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन उपस्थिति सत्यापन पत्रक अनिवार्य, अनुभव प्रमाण पत्र तैयार करना है, जिसके लिए वर्ष 2014-15 से उन्हें पोर्टल पर पत्रक मिल रहा है लेकिन दर्ज नहीं है, जिसके कारण मैनुअली लाने के लिए उन्हें परेशानी होगी। संतोष कहार, जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा, इनके स्टेटमेंट आए हुए हैं यहाँ पर।
और इस पे साफ इन्होंने कहा है कि 14-15 के पहले जो भी मैनुअली दर्ज किए गए थे वो मिल नहीं रहे हैं, और अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करना है जिसका रिकॉर्ड पोर्टल में नहीं है, इसके लिए उन्हें मैनुअली जारी किया जाएगा। इसके लिए संस्था संकुल और बाद में DEO कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र जारी होगा। जो भी समस्या आएगी इसके लिए भोपाल कार्यालय से संपर्क किया जा रहा है। अरविंद चोरगड़े, जिला शिक्षा अधिकारी, छिंदवाड़ा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर